हाय गाइस, आइए अपन बच्चे होंगे। हम शाओमी के पोको एफ टू प्रो का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शाओमी की इंडियन वेबसाइट पर मी 10 के साथ पोको एफ टू प्रो नाम का एक नया स्मार्टफोन देखा गया है जो कि सिर्फ इंडिया में लॉन्च होगा। पोको की एम सीरीज भी पोको एक्स सीरीज की तरह, जैसे कि पोको की एक्स सीरीज रियलमी एक्स सीरीज को कम्पीट करती है, वैसे ही पोको की एम सीरीज भी रियलमी नार्जो सीरीज को कम्पीट करेगी। पोको एम टू प्रो के स्पेक्स अभी तक कंफर्म नहीं हुए, लेकिन इस स्मार्टफोन के बारे में लीक्स आने लग गई हैं। इसकी फुल स्पेक्स ये भारत में कब लॉन्च होगा और इसकी प्राइस क्या हो सकती है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले इस स्मार्टफोन के लुक और डिजाइन की बात करें तो ये चाइना में लॉन्च हुए रेडमी नोट 9 के जैसे सिमिलर होगा। इसमें 6.53 इंच फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ रेडमी नोट 9 प्रो की तरह पंच होल डिजाइन देखने को मिलेगी और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। कैमरे में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का हो सकता है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिलेगा और सेल्फी में 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल सकता है। और परफॉर्मेंस के अंदर पोको कोई कमी नहीं रखना चाहते, इसलिए यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G SoC ऑफर करेगी जिससे कि बेटर परफॉर्मेंस मिल सके। बैटरी के अंदर देखें तो यहाँ पर 4500 mAh या 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है और इस बैटरी को फास्ट चार्ज करने के लिए पोको यहाँ पर 20 या 30 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी ऑफर करेगी। इसमें आपको 4GB बेस्ट टाइम वेरियंट देखने को मिल सकता है। इस स्मार्टफोन की प्राइस इंडिया में 12 या 13 हजार रुपये के आसपास होगी। अगर ये स्मार्टफोन इस प्राइस पर इंडिया में लॉन्च हो जाता है तो ये रियलमी के लिए किलर साबित होगा और ये स्मार्टफोन इंडिया में जून के एंड तक लॉन्च हो सकता है। गाइज, आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन के अपडेट जानने के लिए या ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपसे गुजारिश है कि आप घर पर ही रहें, स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद।